अखिलेश के लिए मुसीबत बने ये तीन सपा विधायक। पार्टी के लिए खड़ी कर रहे हैं बड़ी मुश्किलें। सपा विधायकों के बयानों से दिख रही है बीजेपी के साथ नजदीकी। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस उत्तर प्रदेश में। मेरा नाम है सचिन चौहान। दरअसल रामचरितमानस पर चले विवाद के बाद से समाजवादी पार्टी के अंदर दो फाड़ नजर आ गई। एक तरफ तो कई नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं, जबकि कुछ नेता उनके खिलाफ बगावती तेवर भी दिखा रहे हैं। वहीं बीते कुछ दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालें तो सपा के कई विधायकों ने बीजेपी से भी करीबियां बढ़ानी शुरू कर दी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन से हैं वो तीन विधायक जिन्होंने 2024 के लिए अखिलेश का रास्ता मुश्किल में डाल दिया है। पहले नंबर पर बात करते हैं सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह की। दरअसल सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैंने तो अपना व्यू मीडिया के माध्यम से भी और धर्म मंचों के माध्यम से पहले ही जारी कर दिया है, और मैं पुनः ये कहता हूँ कि जो रामचरित मानस पे या प्रभु राम के चरित्र पे कोई टिप्पणी कह रहा है, ना तो वो सनातनी हो सकता है ना सच्चा समाजवादी हो सकता है। सच्चा समाजवादी वही हो सकता है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो बात कही है उस बात को माने। हम अगर बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे किसी चौपाई पे या रामचरित मानस पे टिप्पणी कर रहे हैं तो ये अमर्यादित स्थिति पैदा कर रहे हैं। और अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जनसेवा की बात करते हैं तो उस जनसेवा में हमारी टिपकी गई टिप्पणी से कितने लोगों के मन को ठेस पहुंच रही है, कितने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, भावनाओं पे कुठाराघात हो रहा है। हम नेताओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरे नंबर पर आते हैं सपा के विधायक मोहम्मद ताहिर खान। दरअसल सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। ये कार्यक्रम सुल्तानपुर में ही था। तब उनके साथ मंच पर इसोली विधानसभा सीट से सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान पहुंचे थे। इस दौरान दोनों का मंच पर एक साथ देखा गया था। तीसरे नंबर पर बात करते हैं सपा विधायक महाराजी देवी की। महाराजी देवी गायत्री प्रजापति की पत्नी है जो इस समय रेप के आरोप में जेल में बंद है। दरअसल कुछ दिन पहले ही अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के एक कार्यक्रम में सपा विधायक महाराजी देवी को देखा गया था। केंद्रीय मंत्री के साथ सपा विधायक की तस्वीर सपा ने ही अपने ट्विटर पेज पर शेयर की थी, जिसमें सपा विधायक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ दिखाई दे रही थी। विधायक उनके यहाँ खिचड़ी भोज में पहुंची थी। राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालें तो सपा के कई विधायकों ने बीजेपी से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। पार्टी के इन तीन विधायकों ने अखिलेश यादव के लिए 2024 के चुनाव के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव एक तरफ तो 2024 की भूमिका में लग चुके हैं और वहीं ये तीन विधायक उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।